देश के सबसे बड़े और बहुचर्चित 2G घोटाले का फैसला आया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले के बाद से ही भाजपा कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने कोर्ट के फैसले का सम्मान किया। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरी भाजपा पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में जो यूपीए सरकार को 2G के मामले पर हर भाषण में, मेरे सतना लोकसभा में भी उन्होंने 2G का भाषण दिया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। आज उनको माफी मांगना चाहिए कि गलती हुई हमसे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटेर विधायक हेमंत कटारे ने अटेर SDOP इंद्रवीर सिंह भदौरिया पर सरकार द्वारा कार्रवाई करने पर मीडिया और बाकी लोगों का धन्यवाद दिया। मैं यहां पर उपस्थित सभी मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा न्यायपालिका को, जिसकी वजह से कल जो षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया था उसमें यहाँ के पुलिस अधिकारी और भाजपा के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो स्वयं शिवराज सिंह चौहान साहब हों, चाहे वो गृह मंत्री जी हों या अन्य नेता हों, जिनके संरक्षण पर इस प्रकार के काम हो रहे हैं, उस षड्यंत्र को नाकाम किया गया। गौरतलब है कि बीते दिनों अटेर SDOP इंद्रवीर सिंह भदौरिया पर रेत के अवैध कारोबार में लिप्त होने का आरोप लगा था और लेनदेन का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वे किसी से पैसे के लेनदेन की चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अटेर विधायक हेमंत कटारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर SDOP के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी। भोपाल से EMS TV के लिए आकाश सोनी की रिपोर्ट।